वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयेश सोनी एडुटेक। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब आज्ञार्थ वाक्य। आज्ञार्थ वाक्य कैसे होते हैं? जैसे कि आदेश या हुक्म, जिसको हमने 5.1 कहा है। इस प्रकार के वाक्य कैसे होते हैं जिसमें बोलने वाला बड़ा होता है और सुनने वाला छोटा होता है? जैसे कि अगर कोई फादर उसके सन को कुछ बोलेंगे तो वो आदेश होगा। ये जो आदेश या हुक्म करने की जो रीत है वो है कमांड्स या ऑर्डर्स। जैसे कि यहाँ आ, तो हिंदी वाक्य में जो आखिर में होता है वो क्रियापद आगे आ जाएगा और V1 बोलते हैं उसको। ये है हमारी फॉर्मेशन, उसके पीछे अदर वर्ड्स। तो यहाँ आ उसका इंग्लिश होगा कम हियर। दूसरे नंबर पे है जोर से बोल। आखिर में क्या है क्रियापद? बोलना, मतलब स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। तीसरा, अपना काम संभाल। संभाल मतलब माइंड योर वर्क अथवा बिजनेस। नंबर 4, अपनी जबान संभाल। जबान मतलब टंग, वैसे तो हिंदी में होता है लेकिन यहाँ पर होगा लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। नंबर 5, अपना व्यवहार सुधार। अब कई सारे इस प्रकार के जो सेंटेंस है आदेशात्मक वाक्य वो लिटरल नहीं है। लिटरल मतलब उसका जो हिंदी अर्थ है वैसा ही इंग्लिश में नहीं होता है, या फिर इंग्लिश में है तो हिंदी में नहीं होता है। जैसे कि अपना व्यवहार सुधार, हिंदी में क्या है? बिहेव योर सेल्फ। उसका लिटरल मीनिंग देखने जाएं तो निकलता है अपने तरीके से बर्ताव कर जो लेना नहीं है। नंबर 6, मुझे समझने की कोशिश कर। अब इसमें दो क्रियापद है, समझने की कोशिश कर। यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है, आखिर वाला पहले, पहले वाला आखिर में और बीच में 2, मतलब के पीछे वाला जो क्रियापद है हिंदी में वो आगे लेना है। कोशिश कर मतलब ट्राई, 2 अंडरस्टैंड मी, आखिर वाला पहले, पहले वाला आखिर, बीच में 2। ओके। नंबर 7, मेरा समय बर्बाद मत कर, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? जो डोंट से शुरू होगा, एक्चुअली डू नॉट है लेकिन डोंट से शुरू होगा, मतलब डोंट वेस्ट माई टाइम। नंबर 8, रो मत। रोना मतलब क्राई, डोंट आगे लगेगा, डोंट क्राई, सिर्फ 2 वर्ड का सेंटेंस। नंबर 9, मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर। 2 क्रियापद, कोशिश कर और धोखा देना, उसको उल्टा ना है, मतलब कि डोंट ट्राई टू चीट मी। नंबर 10, शाना मत बन। शाना मतलब इंग्लिश में होता है ओवर स्मार्ट। अब ये हमारी एक देसी स्टाइल है, मत बन या ना बन। तो डोंट बनना मतलब बी हम सीख चुके हैं, बी ओवर स्मार्ट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अब खास बात यह याद रखनी है कि इन सभी वाक्यों का कर्ता होता है यू, लेकिन बोला नहीं जाता। जैसे कि तू यहाँ आ, उसके बदले में बोलते हैं यहाँ आ, वैसे ही यू कम हियर के बदले बोलते हैं कम हियर। अब आप आ जाइए डिस्क्रिप्शन में, जिस टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है उसके नीचे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक कीजिए, एक PDF फाइल ओपन हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो सेंटेंस दिए गए हैं इन सभी का आप इंग्लिश कीजिए, कमेंट में आंसर लिख के दिखाए, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में ही सॉल्व कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और आपका जो सुझाव है वो कमेंट्स में लिख कर दिखाइए। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन क्लिक कीजिए और उसमें ऑल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए।
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।